वेलकम टू रेडिकल गुरु चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर में। मैं विकी गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से समअप फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर में। तो एक्सेल के अंदर में समअप फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत सारी काम की वीडियो मिलने वाली हैं, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। एक्सेल ओपन कर लेंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके की एक शीट बना लेनी है ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। सबसे पहले तो देखो समइफ फंक्शन जो है होता क्या है, सम इफ, ठीक है, यानी कि सम करो अगर, यानी कि लॉजिकल वैल्यू फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब होता है हम यहाँ पे कुछ क्रिटेरिया दे देते हैं, भाई इनको ही सम करना है या किसी और चीज़ को सम करना है। तो जस्ट हैव अ लुक, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे उस तरह से नंबर लिख रखे हैं, ये देखिए, और यहाँ पे लगा रखा है समइफ फार्मूला, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा कर लेते हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आपको टाइप करना है इक्वल्स टू SUMIF, समइफ, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो रेंज तो हमारी यही है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटेरिया मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे तो जो केवल जो नंबर 5 है मेरे को केवल वही वाले चाहिए। तो आप 5 टाइप भी कर सकते हो और आप 5 ले भी सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया, ठीक है। सम रेंज हमारा कुछ है नहीं, इसको हम यहाँ पे क्रिटेरिया सेट करके एंटर कर देते हैं। तो अब देखो आंसर आ गया 30। क्यों आ गया, देखो 5 एक बार, दो बार, तीन बार, फिर यहाँ पे देखो 5 × 20 तो ऐसे ही हो गया, यानी 5 × 4 = 20, फिर 5 × 5 = 25, ठीक है। और ये देखो 5 × 6 = 30। तो देखो अब इसके अलावा तो कोई 5 नहीं है, ठीक है, पूरे सेल के अंदर। तो ये केवल उसी को प्रिंट करेगा जो हमने रेंज दी थी, हमने जो क्रिटेरिया सेट किया था। यहाँ पे हमने क्रिटेरिया क्या लिया था, 5 लिया था, देखो यहाँ पे। तो क्रिटेरिया क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे 5 का हमने क्रिटेरिया दिया था तो 5 दिखाएगा, नहीं तो वैसे दिखाएगा, ठीक है सर। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब इसको हम इसी चीज़ को हम एक दूसरे अंदर समझ लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। टेबल के अंदर देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉइज नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, यूनिट्स, और कितने रुपये की बेची। देखो जैसे कि मान लो एम्प्लॉय नेम है राहुल दीपक, ठीक है, राहुल, सुमित, सुमित, एकांश, दिलीप, एकांश, मोहित, ऐसे नाम है, ठीक है। ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट, ये इन्होंने प्रोडक्ट्स बेचे हैं और ये इतने पैसे इन्होंने कमाए हैं, ठीक है। अब वैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो मेरे को चाहिए कि भाई सुमित ने कितने कितने की सेल करी है, ये देखना है मुझे, कितने यूनिट्स की सेल करी है। तो अगर यूनिट्स की सेल करी है तो उसको देखने के लिए SUM सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद रेंज का सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से, भाई हमारे एम्प्लॉई ये हैं, क्रिटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्रिटेरिया क्या था मेरा, क्रिटेरिया था मेरा इसको यूनिट्स दिखाना, ठीक है, कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। या क्योंकि सॉरी क्रिटेरिया मैं दे रहा था यहाँ पे कि भाई मुझे सुमित को देखना है कि सुमित ने क्या सेल करी है, तो आप सुमित या तो टाइप कर सकते हैं या सुमित का जो सेल है वो सेल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने का सम रेंज आपको यूनिट्स देखनी है कि कितनी यूनिट सेल करी है सुमित ने, इसको आप एंटर कर देंगे तो 12 दिखा रहा है। तो कैसे दिखा रहा है, देखो सुमित और सुमित यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सुमित 4 और 8, यानी 8 × 4 = 12, यानी 8 + 4 = 12 इसने यूनिट सेंड करी है। अगर इसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्रिटेरिया चेंज कर देते हो, यहाँ पे क्रिटेरिया चेंज भी कर देते हो सुमित का, तो वो भी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कहा सुमित का नहीं, अब मुझे देखना है एकांश का, तो आप इसको टाइप भी कर सकते हो, जैसे एकांश टाइप करना है ना आपको, तो एकांश आप टाइप भी कर सकते हो, EAKANSH, तो एकांश ने कितना सेल किया है, ठीक है, इसको देखना है, तो एंटर करेंगे। तो इसने 5 सेल करी है, सुमित ने 12 सेल करी थी, इसने 5 करी है, कैसे, देखो इसने सैमसंग के सेट सेल किए 3, और यहाँ पे नोकिया के इसने सेल किए 5, 2, तो 3 और 2 = 5, तो टोटल कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 5। अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से देखना है कि किसने किसकी कितना बिक्री हुई है, तो इक्वल्स टू सम इफ लगाएंगे, ठीक है, सम इफ के बाद रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, अब मेरी प्रोडक्ट नेम हो जाएगी, ठीक है, यही तो देखना है मुझे, प्रोडक्ट नेम क्या, क्रिटेरिया, तो क्रिटेरिया क्या हो जाएगा, जैसे अगर मुझे मान लो मुझे देखना है कि सैमसंग कितना बिक रहा है, तो या तो आप सैमसंग सेलेक्ट कर सकते हो या तो आप सैमसंग टाइप कर सकते हो, ठीक है, सम रेंज,
तो सम रेंज में यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे भाई इतनी कितनी यूनिट बिकेंगी, एंटर करेंगे तो देखो आ गया सैमसंग के 8 सेट बिके। पहले कर लो, देखो सैमसंग के 2 सेट यहाँ हैं, फिर 3 सेट यहाँ है, 3, 2, 5, और 5 में 2 सेट और आ गए तो 3, 5, 3, 8, तो कितना आ रहा है आपका आंसर 8। समझ में? अब ये लिखा हुआ है नेम स्टार्ट लेटर। मैं चाहता हूँ कि भाई जिन जिन का नाम जो है आर लेटर से स्टार्ट होता है या जिन जिन के नाम में आर लेटर आता है मुझे उनका बताओ उनका क्या है, ठीक है स्टेटस। तो मैंने कहा इक्वल्स टू एस यू एम सम टाइप किया, सम इफ ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब रेंज क्या देना है, पहले तो ये रेंज देना पड़ेगा ना, ठीक है। रेंज जो है वो हमेशा वो देते हैं जिसका हमें सिलेक्शन निकालना होता है, कॉमा क्रिटेरिया क्या है। अब क्रिटेरिया में मेरे को लिखना है कि भाई आर वाले निकले, तो आर लिख के, ठीक है, स्टार जरूर लगा देना, स्टार मार्क लगा के ऐसे कर दोगे तो ठीक है तो निकलेगा, ठीक है। अब इसको यूनिट्स दिखा देते हैं, इसके यूनिट्स कितनी हैं, एंटर करते हैं तो यूनिट आ गए 21, यानी आर वाले ने 21 सेल करी है। देखो यहाँ पे आर राहुल राहुल राहुल, ठीक है, तीन में राहुल आ रहा है और मैं तो नहीं आ रहा किसी में, तो ठीक है राहुल का देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है, फिर 10 और 5, 6, 5, 11, तो 11 और 10, 21, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 21। ये लिखा हुआ है नेम स्टार्ट मोर लेटर। मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर उन लेटर्स को मुझे सम करना है जो लेटर्स 4 या 5 हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि 5 लेटर्स हैं, ठीक है। इक्वल्स टू सम इफ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब रेंज का सिलेक्शन करना है मुझे, तो रेंज का सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा क्रिटेरिया। अब मैंने कहा भाई मेरे को 5 लेटर वाले सम करने हैं, तो यहाँ पे उतना ही क्वेश्चन मार्क लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ब्रैकेट बंद। सम रेंज मैंने कहा मुझे उनका सेल करके दिखाओ, उनकी सेलिंग कितने रुपये की हो रही है, ठीक है, जिनके 5 नंबर हैं, एंटर किया तो यहाँ पे आ गया 16,000, यहाँ पे आ गया। कितना आंसर आ रहा है ये आप देख करके बताइए, स्प्लिट कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है 167 मिलियन का आंसर आ रहा है ये, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख, यानी 1,67,000 रुपये की सेल करी है। तो देखते हैं कि इनके वो राहुल के अंदर भी 5 लेटर हैं, राहुल यहाँ पे, ठीक है, सुमित में भी 5 लेटर आते हैं और दिलीप में भी 5 लेटर आते हैं, तो और मोहित में भी, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ के ये दिखा रहा है कि भाई कितना हुआ, यहाँ पे टोटल करके दिखा देगा कितना हुआ। तो इस तरीके से सम इफ जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेता है जिसके अंदर हम वहाँ पे उसको लॉजिक देते हैं कि भाई इन इन क्रिटेरिया अगर होगा तो आप सम करो और अगर नहीं होगा तो नहीं करो। इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है, तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको इस वीडियो को 1 से 2 बार चला के ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे, और इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक